हेलो दोस्तों, राधे राधे। जैसे कृष्णा, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो स्टार्ट करने वाली हूँ और आज मैं क्या बनाने वाली हूँ आप लोगों को बताती हूँ। तो ये है लौकी और लौकी से आज मैं कुछ मीठा बनाने वाली हूँ। तो आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या बनाना है और बिना चीनी के बनाऊँगी, तो ये वीडियो पूरा देखना। सो गाइस, बने रहिए मेरे साथ और लौकी से बनाने वाली जो स्पेशल रेसिपी है वो देखिएगा और बना के एक बार टेस्ट करिएगा। सो दोस्तों, ये जो है लौकी और लौकी से जो है मैं आज मीठा बनाने वाली हूँ। तो लौकी को ना डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए, और क्योंकि ये बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छी रामबाण इलाज है। लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं होता कि हम लोग मतलब सिर्फ लौकी का जूस ही पीते रहें और या सब्ज़ी खाते रहें, फिर मीठा भी ज़रूरी होता है कभी कभी खाना। तो लौकी को हमें कैसे यूज़ करना है वो अपने हिसाब से देखना है कि, लेकिन आज जो मैं बनाने वाली हूँ ना वो बहुत अच्छा स्पेशल बनाने, जैसे लौकी की बर्फ़ी आप लोगों ने खाई होगी, तो उसमें खोया और चीनी डाल के बनाते हैं हम लोग, है ना, चीनी की चाशनी बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं। तो आज मैं जो है दूध से बनाने वाली हूँ, तो आप पूरा प्रोसेस देखिएगा क्या किस तरह से बनाई है। तो ये मैंने एक लीटर के करीब दूध जो है, एक लीटर से थोड़ा ऊपर ही है दूध डाल दिया है। तो मेजरमेंट तो ऐसा कोई नहीं है, अगर आप एक लौकी का बनाना चाह रहे हो तो कम कर लो, ज़्यादा कर लो, दूध अगर ज़्यादा हो गया तो कोई इशू नहीं है। और ये मैंने लौकी ली है आधा किलो, तो आधा किलो लौकी है और करीब करीब एक लीटर दूध से थोड़ा सा ऊपर है। तो ये जो सबसे बड़ा इसमें ये है, कभी भी आप लौकी को यूज़ करते हैं, चाहे सब्ज़ी बनाए, रायता बनाए या कुछ भी बनाए, हमेशा ये चीज़ याद रखना कि लौकी को एक पीस छोटा सा लेके ना खा के ज़रूर देखना। अगर कड़वी लौकी है ना तो उसको कभी भी यूज़ नहीं करना, चाहे सब्ज़ी में या किसी भी तरह से, क्योंकि कड़वी जो लौकी होती है ना उसमें पॉइजन होता है और वो जानलेवा भी बहुत ज़्यादा होती है। तो जानकारी नहीं है तो होनी चाहिए, हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो लौकी को कभी भी बिना चेक करें आप सब्ज़ी भी नहीं बनाएं, किसी भी तरीके से आप यूज़ ना करें, क्योंकि बहुत हानिकारक है। तो मैं हमेशा जब लौकी काटती हूँ धो के, और जब काटने के करती हूँ तो थोड़ा सा पीस लेके उसको खा के ज़रूर देखती हूँ, तभी उसको यूज़ करती हूँ। तो मैंने दोनों जो लौकी हैं उनको टेस्ट कर लिया है, और उसके बाद मैं अभी इनको कद्दूकस कर रहे हैं, ग्राइंड कर रहे हैं। तो जो मीडियम साइज़ के जो है ना क्रशर, उससे कर रही हूँ, और इधर जो है दूध में उबाला आने वाला है, तो ये इधर उबाला आता रहेगा और उधर मैं जो है लौकी कद्दूकस कर ले रही हूँ। तो ये आप कोई भी काम करते हैं साइड में आप आराम से बना लीजिए, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि। तो ये जो दूध की भगोनी थी तो इस वजह से इसको मैंने नहीं किया, और देसी घी लिया मैंने एक डेढ़ चम्मच के करीब अंदाजे से डाल दिया। तो अब इसमें क्या है, जो लौकी है ना हमने धो के कद्दूकस जो करके पहले ही धो ली थी, कद्दूकस करने के बाद नहीं धोई, तो उसको जो है सब्ज़ी हमेशा पहले ही धो लेनी चाहिए, काटने के बाद में नहीं। तो अब इसको इस घी में जो है मैंने हल्का सा निचोड़ के, पानी इसका निचोड़ के और इसमें भूंज लूँगी। तो भूंजने से क्या होगा, ये थोड़ी गल जाती है ना, दूध में गलाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए इसको मैंने कहा। और देसी घी में थोड़ा ज़रूरी होता है फ्राई करना, टेस्ट भी अच्छा आता है, और लौकी जब भुन जाती है तो उसकी खुशबू भी थोड़ा अलग टेस्ट में फ़र्क पड़ता ही है। तो इधर जो है दूध में उबाला शुरू हो गया है आना, और इधर जो है मैं क्योंकि एक हाथ से मोबाइल खाना है इसलिए टेढ़ा हो गया। तो अब इसको इस तरह से धीमी, बिल्कुल धीमी आँच पर मैंने इसको जो लौकी को रख दिया है। तो इधर लौकी जो हो रही है और इधर दूध हो रहा है, तो दोनों ये साथ साथ प्रोसेस चल रहे हैं। तो जितना गाढ़ा दूध हो जाएगा तो उतनी जल्दी हम यहाँ से ये बनके तैयार हो जाएगा। और इधर ये लौकी है जो धीमी आँच पे, ये भी अपना बन रही है, प्रोसेस में है, क्योंकि घी डाल दिया है और पानी इसमें था पहले से, तो ये थोड़ा सा गीला हो गया। अब ये पूरी भुन चुकी है, थोड़ा इसका कलर चेंज हो गया है और दूध रह गया है आधा। तो अब मैंने क्या किया है कि इसको निकाल के लौकी को और इसमें डाल दिया है, और मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाली है, क्योंकि अगर हम एक्स्ट्रा चीज़ें डालते हैं तो फिर उनका जो है थोड़ा अलग ही वो एक टेस्ट खाने के लिए हो जाती हैं, लेकिन अगर आप एक मेडिसिन तौर पे ले रहे हैं या खाने के लिए, तो जितनी कम चीज़ें हम डालते हैं ना उनका असर उतना ही ज़्यादा रहता है। तो ख़ास चीज़ हमें इसमें ये देखनी थी कि हमें लौकी का ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट देनी थी लौकी को, और चीनी नहीं डालें, क्योंकि चीनी नुकसान करती है। और इसमें हम यूज़ करेंगे बूरा, तो बूरे को हम चीनी की तरह नहीं यूज़ करते, उसकी चाशनी नहीं बनाएंगे, तो कैसे उसको यूज़ करेंगे ये मैं बताती हूँ। तो ये पूरा जो है दूध में लौकी भुन के तैयार हो गई, और इसमें मैंने जो बूरा है करीब 150 से 200 ग्राम के बीच में होगा, और बूरे को मैंने मिक्स कर दिया है इस तरह से। अब ये इसकी जो गांठें हैं ना ये धीरे धीरे, पर इसको भी हमने 5 से 7 मिनट इसको भी अच्छे से भून लेना है, ऐसा नहीं है कि हमने बूरा डाला और डालते ही हम इसको निकाल लें, तो ये नहीं है, इस तरह से नहीं करना है, क्योंकि जब हम बूरा डालते हैं या चीनी डालते हैं
तो थोड़ा सा ढीला हो जाता है। तो अब ये पतला सा हो गया है, देखो आपने पहले देखा ना कितना गाढ़ा सा हो गया था, तो अब ये पतला हो गया है। अब इसको ये देखो और पतला हो गया है ना, क्योंकि बुरा है तो वो बुनेगा। तो इसको 5-10 मिनट 7 मिनट जैसे भी हो, क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब इसको मैं अच्छे से चला दे रही हूँ, है ना। थोड़ा सा ये देखो, थोड़ी गैस भी हल्की सी तेज़ कर लेंगे, पहले स्लो गैस पे जो काम कर रहे थे तो वो मीडियम से हाई थोड़ी सी कर लेंगे, और इसको जो है गाढ़ा होने देंगे। तो बहुत अच्छे से ये जो है ना भुन जाती है, और जब गाढ़ा हो जाएगा इसको, तो जहाँ भी हम कोशिश ये करें कि चीनी को कम यूज़ करें कहीं पे भी। और ये देखो ये बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। अब इसको मैं जो है ना बर्फ़ी वाली जो ट्रे है उसमें डालूंगी, और ये देखो बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, ये आप देख रहे हो। और ये मैंने बर्फ़ी वाली जो ट्रे थी ना उसमें डाल दी, क्योंकि मैंने थोड़ा ही बनाया था, आधा किलो लौकी का ही बनाया था, तो पूरी ट्रे नहीं बनी है। और ये इसको मैंने रख दिया है फ्रीज़र में। तो दोस्तों ये मैंने जो है लौकी का बनाया है, और इसमें चीनी नहीं डाली है, और आपने वीडियो में देखा होगा कि मैंने क्या डाला है। तो इसको ना बहुत ज़्यादा, इसको बर्फ़ी जैसे चीनी डालते हैं ना, तो चीनी की जो बर्फ़ी एक चाशनी बन जाती है, उस तरह से नहीं है। लेकिन इसको ना ये बीपी के लिए या हार्ट का है उन लोगों के लिए, क्योंकि लौकी को खाना है, कैसे भी खाना है, तो बहुत फ़ायदा करती है। तो अब इसको देखते हैं हम। तो ये हमने इसको कट कर लिया है, और कट करने के बाद ये पीस जो है निकालते हैं। तो दोस्तों ये जो पीस है निकल के तैयार हो गया है, और ये आप लोग बना के देखिएगा कि कैसी बनती है। तो मैं खा के देखने वाली नहीं, पहले भगवान जी के लिए निकाल दूँ। तो मैंने ये पीस निकाल दिए हैं, बहुत बढ़िया बनी है, मिठास भी एकदम परफेक्ट है, और बिल्कुल प्योर, क्योंकि दूध में बनाई है, खोया नहीं डाला है, तो इसका टेस्ट है ना बहुत ही अलग आ रहा है, बहुत अच्छा। आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, और अगर बना के देखना वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और पूरा जो है वीडियो देख लेना। सो गाइस बने रहिए मेरे साथ, और थैंक यू, बाय।